हमारे समाज में हर तबका के लोग बसते हैं, हर किसी की ख्वाहिश भी आला पैमाने की होती है। ये बात उस वक्त ज्यादा असरअंदाज होती है जब किसी अमीर बच्ची की शादी आलीशान अंदाज में जायकादार मुख्तलिफ अकसाम के पकवान के साथ देखकर मिडिल क्लास वाले अपनी बच्ची की शादी को लेकर सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि शहर कोलकाता में मैरिज हॉल और कैटरिंग आम इंसान का जान ले लेता है। मगर अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि 32/2 तोपसिया रोड साउथ कोलकाता 46 पर मौजूद खूबसूरत डेकोरेट के साथ चमकता हुआ संगम बैंकवेट तोपसिया और अहले कोलकाता के लिए मसूद आलम सिद्दीकी, शहादत सिद्दीकी, इबादत मसूद सिद्दीकी ने गिफ्ट दिया है। आम इंसान का जेब का ख्याल रखते हुए रीजनेबल रेट, फुल एयर कंडीशन, तकरीबन 1000 लोगों की कैपेसिटी, बैक वक्त 100 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग, फायर फाइटिंग, दुल्हन रेस्ट रूम, फुल डेकोरेशन और साथ ही जायकादार पकवान के लिए बेहतरीन कैटरिंग भी दिया जा रहा है। कैटरिंग के लिए किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। शहादत सिद्दीकी ने दावा किया है कि तोपसिया ही नहीं बल्कि शहर कोलकाता में भी किसी भी बैंकवेट में इस कदर रीजनेबल रेट में हर फैसिलिटीज नहीं दी जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा मसला पार्किंग का होता है जो हमारे पास अवेलेबल है। शादी ब्याह हो या एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी हो या किसी तरह की भी छोटी सी छोटी खुशियां इस बैंकवेट में मना सकते हैं। इस बैंकवेट का मुआयना सियासी रहनुमा बिजली रहमान, ओसी परवीर, के आर भट्टाचार्य, मोहम्मद बिलाल खान के अलावा समाजी रहनुमा और इनके अजीजों अकारिब ने किया। मेरे वालिद साहब के तरफ से और हम लोग के खानदान की तरफ से तोपसिया की कम्युनिटी को, तोपसिया के इलाके को एक गिफ्ट है, क्योंकि तोपसिया में इतना अच्छा, मैं बोलूँगा इतना अच्छा कम्युनिटी हॉल नहीं है जहाँ पर आप आकर के शादी कर सकते हैं, अपने बच्चों का एंगेजमेंट कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फैसिलिटीज काफ़ी है। ये एयर कंडीशनड है, पहला चीज़। गर्मी में, बरसात में आप आराम से इधर पे फंक्शंस कर सकते हैं। प्लस दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, तोपसिया बहुत कंजस्टेड इलाका है, यहाँ पर आपको पार्किंग का फैसिलिटी है। हम लोग का वैले पार्किंग है, हम लोग के पीछे इधर पे कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे पार्किंग आराम से। यहाँ एनी टाइम आप 100 गाड़ी का पार्किंग कर सकते हैं। तोपसिया में इस बजट में, जिस बजट में हम लोग खोले हैं, जब गेस्ट आएंगे तो मैं उनको बजट भी बताऊंगा, जिस बजट में हम खोले, बहुत काफी बजट फ्रेंडली होटल ये बैंकवेट है और ये गिफ्ट है हम लोग की तरफ। कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कैपेसिटी है अप्रोक्स 800 से 1000 गेस्ट एट अ टाइम हम लोग यहाँ होस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड फर्स्ट सेकंड 3 फ्लोर का है ये बैंकवेट, और हमारा किचन भी काफी स्पेशियस है। यहाँ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भी है, यहाँ फायर एग्जिट भी है, तो जो गेस्ट इधर आते हैं उनको किसी तरीके का तकलीफ नहीं है। हमारे यहाँ इन हाउस केटरिंग भी है, आप अपना बावर्ची भी लाके बना सकते हैं, किसी को अपना कुक से बनवाना है तो यहाँ पे सब चीज अवेलेबिलिटी, जैसा आपका बजट है, जैसा रहेगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हर तरीका से एडजस्ट करके आपको बेस्ट फैसिलिटी दे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। यहाँ भी है मैम जी, यहाँ भी हम लोग ने दुल्हन के लिए रूम रखा है, उनके सजने के लिए, निकाह के लिए रूम है, फैसिलिटीज यहाँ पे भी प्रोवाइडेड है। तो मैं नहीं चाहता कि संगम बैंकवेट का नाम खराब हो, संगम बैंकवेट एक क्वालिटी बना रहा है, आप क्वालिटी हम लोग मेंटेन करेंगे, वी विल वर्क फॉर इट। और आप बावर्ची लेके आइए, आपको जिससे खुशी आप उससे खाना बनवाइए, इन हाउस कैटरिंग वी कैन प्रोवाइड दैट। हाँ, देखिए मैम, अपने से तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा ये बात आप घूमिए, आपको खुद समझ में आ जाएगी। कंपटीशन के इस दौर में हम लोग बोलेंगे कि हम लोग के ऊपर आप रिलायबिलिटी आप रखिए, रिलायबल है हम लोग आपको, आप मेरे ऊपर फेथ रखिए, हम लोग जो होता है अपने से, जो प्रॉमिस आपको करते हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम लोग फुलफिल करेंगे। शादी ब्याह ऐसा एक फंक्शन है जो जिंदगी में एक बार होती है, तो सबको एक अरमान होता है अच्छे से करने, तो बिल्कुल इंशाअल्लाह हम लोग उसमें एक भागीदार बनेंगे, एक आपका हिस्सेदार बनेंगे, और आप एक मेमोरेबल जो फंक्शन है वो उसको हम लोग करने पे एक मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे जितना से जितना बजट फ्रेंडली हो सके, पॉकेट फ्रेंडली हो सके, विथ ऑल द हेल्प, हम लोग के एंड से जितना हेल्प होगा हम लोग वो चीज करेंगे, और इंशाल्लाह आगे आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, हमारी गारंटी है।
हम लोग ये जो बैंक्वेट हमारा है, हम लोग हर सेक्शन को टारगेट किए हैं। इंशाल्लाह हम लोग हर सेक्शन को टारगेट करते हुए आगे बढ़ेंगे और सब मतलब सबकी एक उम्मीद होती है कि शादी ब्याह अच्छे से करें, मतलब जितना बेस्ट से बेस्ट हो सके। एक गरीब आदमी भी कभी वही ख्वाहिश है और जो अमीर है उनकी भी वही ख्वाहिश। तो जो लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते हमारा उनका पूरा कोशिश और पूरा कोऑपरेशन रहेगा उनके साथ आगे बढ़ने का। रिनोवेशन हुआ है अभी, जब डॉक्टर साहब जब खोले थे वो जमाना और अभी बेटा जवान नौजवान होकर उठा, तो जो आज का जो माहौल, आज का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से फिर ये संगम हॉल को बनाया गया है। और जो पहले जो लोग आते थे संगम हॉल सोचते थे वो सब, अभी वो संगम हॉल नहीं है अभी जो चल रहा है। और खास करके यहाँ पे जो मेरे ख्याल से कैटरिंग तो सब अपना खुद लेकर आता है, लेकिन अगर यहाँ जो कैटरर है उसको लेके अगर करेंगे तो उनको और भी बेनिफिट मिलेगा और बहुत ही अच्छा रेट, सस्ता रेट में ये बैंक्वेट हॉल है। उम्मीद करेंगे कि लोग आएंगे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा तादाद में, क्योंकि इस एरिया में हॉल है, कई एक हॉल है, लेकिन इस तरह का अभी जो बना है ये नया तरीका से, ये अपना मिसाल है। आज तक आज की जरूरत थी इसलिए इस तरह का किया गया, नया कॉन्सेप्ट है, नया बच्चों ने किया है, हमने तो नहीं किया बच्चों ने। खासकर हमारे मुआशरे और कौम मिल्लत सब कोशिश करेंगे, सब कोशिश करेंगे। और बैंक्वेट के हिसाब से रेट बहुत ही कम है इसका। ये संगम बैंक्वेट आने वाले कल में क्या हकीकत में दो फैमिली या दो दिलों के दरमियान में संगम पैदा करेगी? इंशाल्लाह करेगी, कोशिश किया जाएगा, इज्जत करेगी। हमारे मुआशरे में मिडिल क्लास के लोग ज्यादा होते हैं जिनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या मिडिल क्लास के लिए ये? हम लोगों ने किया ये मिडिल क्लास के लिए, अपर क्लास के लिए नहीं किया। हम लोग का जो ये है कंसेप्ट है कि मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास प्लस लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए हम लोगों ने कोशिश किया। टेस्ट इज वेरी नाइस, सकीर ये जो कर रही है यहाँ पर माहौल सुंदर महल है, बिल्डिंग इज वेरी गुड, एम्बियंस इज गुड एंड फूड इज वेरी टेस्टी एंड आई एंजॉयड माय चिकन माय फिश, यही टेस्टी है। इस जगह में एक ठो बैंक्वेट हॉल का दरकार था, उधर है इधर भी है लेकिन इस बीच में नहीं है। और यहाँ एक एडवांटेज ये है, गाड़ी पार्किंग का जो है ये काफ़ी बड़ा जगह है, जो ये आसपास में दूसरा नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो भी काम होता है वो दिन का टाइम में लॉरी छोटा हाथी रहता है, लेकिन रात को एकदम सन्नाटा हो जाता है। तो ये बहुत एडवांटेज है, खास करके आसपास का आदमी को बहुत सहूलियत होगा यहाँ पर बैंक्वेट हॉल होने का वजह से। क्योंकि अभी सभी आदमी जो है बाहर में ही, शादी हुआ, बर्थडे हुआ या जो भी प्रोग्राम है बाहर में ही करता है, घर में करने का रिवाज ख़त्म हो गया। तो इसलिए ये वाला जो जगह है, ये वाला जगह लोकल आदमी को बहुत एडवांटेज मिलेगा, बहुत ही अच्छा है। काफ़ी आइटम है जो एक आदमी के लिए वो पूरा आइटम कम्प्लीट करना नामुमकिन है, तो स्टार्टर में ही पेट भर गया। बहुत ही अच्छा है, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है, ये 100% सक्सेस है, इसमें लॉस का हम कोई रास्ता नहीं देख रहा है। सबसे पहले तो हम लोग स्टार्टर खाएं, स्टार्टर में फिश, उसके बाद रेशमी कबाब, उसके बाद आपका प्यारे कबाब, जो भी खाए स्टार्टर वन ऑफ द बेस्ट था, बहुत अच्छा। सच्चाई से बताइएगा कि क्या ये जायका कैसा था? जायका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, सब चीज बहुत अच्छा था। हालांकि इनका संगम बैंक्वेट का इन हाउस कैटरिंग है, कैटर का जो भी सामान बना हुआ है, खाना पीना हर एक चीज, स्टार्टर वेज नॉन वेज सब चीज बहुत अच्छा था। बिरयानी का सेट, बिरयानी सबसे लजीज था, मटन बिरयानी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टफुल था, बहुत अच्छा था, बहुत ही मजेदार था इंतजाम, बहुत ही अच्छा इंतजाम था। हाँ, जिसको बोले खाया हम लोग, मुंह से बोलने में भी जो है अच्छा लग रहा है, जैसे खाया है वैसे बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा इंतजाम था। क्या क्या फिश फिंगर बहुत ही बढ़िया था, आपका आइसक्रीम वगैरह, आपका ये गुलाब जामुन, आपका रेशमी कबाब, आपका ये प्यारे कबाब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा इंतजाम, बहुत ही अच्छा मटन बिरयानी था। लोग जो है उंगली चाट कर खा रहे हैं, दादाबादी में तो उसे भरतपुर में चलेगा, यहाँ पर हर जगह चलेगा, समझे ना, भरतपुर में सिर्फ वहाँ पर लोग ही खाएंगे, दादाबादी का नाम तो लहन लगा जाते खाते हैं, हमारे जो एक बार यहाँ खा लेंगे याद रखेंगे खाना। दिल से शहादत भाई ने रेनोवेट करवाया,
इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा हॉल चलेगा, काफ़ी बेहतरीन हॉल है, सेटेलाइट एसी भी है, बहुत बेहतरीन जगह है और खाना भी इनहाउस कैटरिंग के बाद काफ़ी बेहतर है, इंशाल्लाह लोगों को पसंद आएगा। खास इसकी लॉन्चिंग हुई है और वन ऑफ द बेस्ट बैंकेट इन कलकत्ता हम कह सकते हैं इसको, इसके इंतजाम के एतबार से भी और इनकी जो कैटरिंग है वो भी सुपर्ब है, बहुत शानदार खाना बनाया है इन्होंने आज और सजावट भी अच्छी है, कम्प्लीटली एसी किया इनको और इस इलाके में तो ऐसा कोई भी बैंकेट नहीं है, स्पेशियस है, 9000 स्क्वायर फिट है इनके पास बिल्टअप एरिया और फ्री एरिया भी काफी सारा है, बाहर स्पेस बहुत एक्सेलेंट है, जो भी चीजें इन्होंने बनाई है वो A1 की चीजें है, क्लास 1 ग्रेड कह सकते हैं उनको, सारी चीजें अच्छी है, बिरयानी स्पेशली बहुत अच्छी बनी है, उनके स्टार्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इनका वेंचर होगा और आने वाले टाइम में जो बंदा यहाँ एक बार आएगा वो बार बार आना चाहेगा और इनको बुकिंग मिलेगी इसके लिए और इनकी कैटरिंग भी बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह।